अभी तो हम लोग तो हर साल करते हैं तो 25-30 को बनाते हैं, बिक जाता था, इस साल में 40 को बनाया है। तो पहले से ऑर्डर मिला हुआ रहता है कि अभी अचानक मतलब मिलता है? हम लोग ऑर्डर नहीं लेते हैं, हम लोग का ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे भेज देते हैं। छोटा मूर्ति है वो 1000-1100 का बिकता है, बड़ा वाला 2000-2500-1500 ऐसे बिकता है। तो पहले जितना मतलब जितना पहले प्राइस रखे थे उतना ही है कि उससे कम या ज्यादा किया है? नहीं, उसी में चल रहा है, उसी में 100-200 रुपए आगे पीछे हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR, मैं हूँ आपके साथ आभा। पर्वों का समय शुरू हो गया है, अभी लगातार विश्वकर्मा पूजा, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा आ रहा है। कल यानी 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा आ रहा है। देखिए यहाँ पे मूर्ति बनकर तैयार हो गया है, लोग यहाँ आते हैं, अपने मूर्ति खरीदते हैं, अपने घरों के फैक्ट्रियों में मूर्ति को विराजमान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा भगवान का इस दिन जन्मदिन के रूप में मनाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा की तिथि में बदलाव आते रहता है, लेकिन विश्वकर्मा पूजा एक ऐसा पूजा है जो हमेशा 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर और वस्तुकार भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ की मूर्ति बनाने वालों से कि उन्होंने ये मूर्ति कब तक बनाई है, उनका दाम कितना है, ये बात करते हैं। जी, आपको एक मूर्ति बनाने में कितना समय लगा? एक मूर्ति में तो मोटा मोटी 2 दिन लग जाता है। हाँ। कब से मूर्ति बनाना शुरू कर दिए हैं? इसको हो गया हम लोग का 2 महीना हो गया। 2 महीने से? हाँ। कितने ऑर्डर मिल चुके हैं अभी तक आपको? अभी 10-12 को बुक हुआ है। 10-12? हाँ। तो इसका प्राइस कितना, मतलब जो छोटा मूर्ति है उसका प्राइस कितना है? छोटा मूर्ति है वो 1000-1100 का बिकता है, बड़ा वाला 2000-2500-1500 ऐसे बिकता है। तो पहले जितना मतलब जितना पहले प्राइस रखे थे उतना ही है कि उससे कम या ज्यादा किया है? नहीं, उसी में चल रहा है, उसी में 100-200 रुपए आगे पीछे हो रहा है। महंगाई को देखते हुए तो अभी सब कुछ दाम बढ़ रहा है सबका, तो आप मूर्ति का दाम भी कुछ बढ़ाएगा? अब बढ़ाएंगे तो मूर्ति वाला उतना आदमी समझता नहीं है कि बोलेगा आप इतने दीजिएगा तो हम तो कागज का फोटो में पूजा कर लेंगे, तो फिर हमारा मजबूरी से देना पड़ता है। क्या आप इतना अकेले इतना मूर्ति बनाए हैं कि आपके साथ लोग भी हैं? हाँ, मेरा बाल बच्चा फैमिली के साथ है। हम फैमिली के साथ आप इतना मूर्ति बनाए हैं, तो आपका फैमिली पूरा सपोर्ट करता है आपको इस चीज में? सपोर्ट करता है, सब पेंटिंग करता है, आँख मुख सब वही बाल बच्चे बनाता है मेरा। अच्छा, तो कितनी मूर्ति बिक जाती है? अभी तो हम लोग तो हर साल करते हैं तो 25-30 को बनाते हैं, बिक जाता था, इस साल में 40 को बनाया है। तो पहले से ऑर्डर मिला हुआ रहता है कि अभी अचानक मतलब मिलता है? हम लोग ऑर्डर नहीं लेते हैं, हम लोग का ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे भेज देते हैं। अच्छा, ऐसे ही? हाँ। तो मतलब पहले के मुताबिक ज्यादा बिकता है या कम बिका है? तो अभी तो देखिए बारिश का मौसम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो अभी सब साफ सुथरा कर रहा है, तो वही 4-5 बजे सब गिरागी लगेगा। वही बता, 3-4 दिन लगता है एक मूर्ति में, मतलब बना के उसको सुखाना है, फिनिशिंग करना है, तो मोटा मोटी ही मूर्ति के पीछे 5-6 दिन लग जाता है। 5-6 दिन लग जाते हैं एक मूर्ति में? तो 2 महीने में आपने पूरा मूर्ति बना लिया है? कंप्लीट कर दिया हम लोग। तो कितना मतलब उनके फैमिली सपोर्ट करते हैं इस मूर्ति को बनाने में? देखिए मूर्ति विश्वकर्मा जी जो है हाथी पे बैठे हुए हैं, उनका जो है अलग अलग कलर, पीला कलर में लाल कलर की धोती, पीला कलर ऑरेंज कलर का धोती पहनाया गया है उनको। छोटा मूर्ति जो है उन्होंने बताया कि वो 1200 का है और बड़ा मूर्ति 2000 तक का है। कहा विश्वकर्मा भगवान को ब्रह्मा जी का 7वां पुत्र कहा जाता है और इस दिन विश्वकर्मा जी का जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। लोग सुबह उठकर अपने गाड़ियों की, अपने फैक्ट्रियों की, दुकानों की साफ सफाई करते, उनका पूजा करते हैं। इस बार का जो मुहूर्त है विश्वकर्मा भगवान का पूजा करने का शुभ मुहूर्त, वो है 6:30 बजे से। बने रहिए न्यूज PR के साथ, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक करिए।